हाय बच्चा लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बट अभी कुछ समय से मैं अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोस को प्रॉपरली डेली शूट नहीं कर पा रही थी, वीडियोस नहीं आ पा रही थी चैनल पे। बट अब से आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, डेली आएंगी। मुझे पता है आप लोगों के यूटीज आ रहे हैं, मैम SC2 आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बट अब सब कुछ कंप्लीट होता जाएगा। आपके चैप्टर्स, एक्सरसाइज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ। तो चलो आज से हम अपना वो सीरीज शुरू करते हैं डेली वीडियोस की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड। थ्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, इसका नाम क्या है? अ फार्म। एक फार्म, फार्म का मतलब क्या होता है? एक खेत। अब खेत कहाँ पर क्या होता है? खेत जहां पर जो किसान होते हैं वो खेती कर सके, क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, चावल है, ये सब चीजें ना, इन्हें हम ग्रो कर सके, इन्हें वो उगा सके, उसका वहां पे क्या होता है? उसे हम कहते हैं फार्म। और फार्म में किसानों की खेती के साथ साथ एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जहां पर उनकी देखभाल करी जाती है। तो मतलब एक फार्म का मतलब क्या हुआ? एक फार्म मतलब एक खेत जिसके अंदर बहुत सारे क्रॉप्स हों, जो खेती बाड़ी हम लोग कर सके, जहां पर किसान खेती बाड़ी कर सके और साथ साथ वहां पर एनिमल्स मतलब जानवर की देखभाल करी जा सके, उसे हम कहते हैं फार्म। समझ में आया? अब देखो क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर में, माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। हर बार की तरह हम लोग क्या करते थे, पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका मतलब समझेंगे, ठीक है? तो चलो इस तरह से शुरू करते हैं। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, EIEIO, एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ काओ, EIEIO, विद अ मू मू हेयर एंड अ मू मू देयर, हेयर अ मू देयर अ मू, एवरीवेयर अ मू। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, EIEIO। अब देखो समझ में आया? थोड़ा 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 अच्छा लगा सुनकर। अब हम इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। माई डियर, माई मतलब मेरे, डियर मतलब प्यारे, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मतलब दादाजी, ठीक है, दादाजी, आपके भी दादाजी होंगे ना, तो माई डियर ग्रैंडपा मतलब दादाजी हैड अ फार्म, एक उनके पास, मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था, हैड था, ठीक है, तो मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था। फार्म मतलब खेत, जहां पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो प्लांट्स भी है, यहाँ पर खेती भी करने है ना। ये बच्ची बता रही है कि ये इसके ग्रैंडपा हैं, इनके पास एक फार्म था, ये इनका घर है और ये इनका पूरा एक फार्म है जहां पर एनिमल्स भी है। मैंने क्या बताया था कि फार्म में, खेत में एनिमल्स भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मतलब जिनका हम ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर हम खेती बाड़ी भी करते हैं, तो देखो यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या बोल रही है, मेरे प्यारे ग्रैंडपा, मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था। और फिर वो गाना गा रही है EIEIO। अब फिर क्या कह रही है, एंड ऑन दैट फार्म, और एंड मतलब और, उस फार्म में उस खेत में क्या था, ही हैड अ काओ, उनके पास एक काओ मतलब गाय। ये देखो ये रही ना गाय, आपकी भी गलियों में गाय आती है, काओ आती है, तो वो आवाज करती है मू ऐसे करके ना, वो वही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही हैड अ काओ, एक गाय थी उनके पास, EIEIO। अब गाय कैसी आवाज निकालती है, मू ऐसे निकालती है ना, तो यहाँ पर यही लिखा है इस बच्ची ने, विद अ मू मू हेयर, हेयर मतलब यहाँ पे, तो मतलब वो क्या करती थी, मू मू ऐसे आवाज निकालती थी यहाँ पर, एंड और अ मू मू देयर, वहां पर भी, मतलब वो जहां होती थी ना, अगर वो यहाँ पर खड़ी है वो तब भी मुंह मुंह करती थी, अगर वो यहाँ पर खड़ी है वो तब भी मुंह मुंह करती थी, सॉरी। तो क्या बोल रही है, हियर अ मुंह देयर अ मुंह, जहां भी होती थी वहां वो ऐसे मुंह मुंह करती थी। तो क्या बताया इसमें कि उनके जो दादाजी हैं, वो बच्ची कह रही है कि मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत था, EIEIO, और उस खेत में उनके पास एक गाय थी, अ काओ, गाय थी, EIEIO, विद अ मू मू हेयर। तो ये
वो मुमू करती थी, और अगर वो यहाँ पर है वो तब भी मुमू करती है। तो क्या बोल रही है, एवरीवेयर, हर जगह। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, मुमू ऐसे ही वो करती थी। तो माय डियर ग्रैंडपा, मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था, एक खेत था। EIEIO, ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? चलो अब दूसरे पे आते हैं। अब वो क्या बोल रही है, माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था। वैलन बोली इसने फिर से, EIEIO, फिर दोबारा से, एंड ऑन दैट फार्म, और उस फार्म में। अब कौन थे पहले, कौन थे? गाय। गाय के बारे में बताया, काऊ के बारे में। गाय की आवाज कैसी होती है, मू मू ऐसे करती है। अब बता रही है वो, ही हैड अ हेन। अब कौन थी, मुर्गियां। कौन थी, मुर्गियां थी। आपको यहाँ पर दिख रही है पिक्चर से, बहुत सारी मुर्गियां यहाँ पर। अच्छा काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हेन है यहाँ पर उनके दादाजी के पास, है ना? अच्छा लगा? तो देखो अब वो क्या बोल रही है, मेरे प्यारा दादाजी के पास एक फार्म था, EIEIO, और उस फार्म में ही हैड अ हेन, उनके पास एक मुर्गी थी, EIEIO। अब मुर्गी कैसी आवाज निकालती है, क्लक क्लक ऐसे निकालती है, तो वो वही आवाज है, विद अ क्लक क्लक हेयर, ये मुर्गी की आवाज है। ऊपर गाय की आवाज थी, मू मू की। अच्छा अब आप ना एक काम करना, आज आप लोग जब भी गाय आए ना तो गाय की आवाज ध्यान से सुनना, तो आप लोगों को पता चलेगा वो सच में मू मू ऐसी आवाज निकालती है, और शायद कुछ बच्चों को पता हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, विद अ क्लक क्लक हेयर एंड अ क्लक क्लक देयर, तो क्या करती है, क्लक क्लक यहाँ भी करेगी, और अगर वो यहाँ पे होगी जगह वाली है वो भी क्लक क्लक करेगी, यहाँ पे आएगी तब वो भी क्लक 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 करेगी। तो क्या हुआ, हेयर अ क्लक, यहाँ भी क्लक, देयर अ क्लक, वहां भी क्लक, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या था, हर जगह। क्या था, हर जगह, अ क्लक क्लक। मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था, EIEIO, है ना? तो हमने क्या पढ़ा इस पोम में, कि उनके प्यारे ये बच्ची है, इसके प्यारे दादाजी हैं, जिनके पास एक फार्म था, उस फार्म में एक काऊ थी, गाय थी, जो कि मू मू करती थी, यहाँ भी मू, यहाँ भी मू, हर जगह मू मू। तो मेरे प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था। फिर बता रही है, एक फार्म था जिसमें उनके पास मुर्गी थी, वो मुर्गी यहाँ भी क्लक करती थी, यहाँ भी क्लक करती थी, हर जगह क्लक क्लक करती थी, उनके प्यारे दादाजी के पास एक फार्म था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बोल रहे हैं सिंपल सा, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर, जो एनिमल्स है उन्हें रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, उस लाइन को आप छोड़ो। अब आगे आते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, लेट अस डू। कलर द फार्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म, यूज दिस हेल्प बॉक्स। अब देखो क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो भी एनिमल्स है ना, यहाँ पर आपको इनके नेम बताने हैं कि कौन से वाला कौन सा है, और आपको इन्हें कलर करना है। जैसे बताओ ये कौन है, काओ, COW, काओ, है ना? ओके, अब बताओ ये कौन है, ये थोड़ी थोड़ी गॉड जैसे दिख रही है, बकरी, तो हम क्या लिखेंगे, GOAT, क्या हुई वो, गॉट हुई, क्या हुई, गॉट। ओके अच्छा, अब ये कौन है, ये कौन है, स्वान, कौन है ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EN, हेन, मतलब मुर्गी। अच्छा अब ये कौन है, ये जो छोटी छोटी सी चिड़िया है, ये कौन है, स्पैरो, SPARROW,